सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ असान, AKA B ऑसम। सो गाइस, हाजिर हूँ बी टॉक्स के साथ। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबाएं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहली न्यूज हमारे पास वो ये कि गूगल फोटोज ने रिसेंटली ऐड कर दिया है गूगल मैप का फीचर अपनी एप्लीकेशन के अंदर। इसके थ्रू ये कि आपने जिन जिन राउट के ऊपर जो जो पिक्चर्स ली हुई होंगी, यानी कि जो जो डेस्टिनेशन पे हम जा रहे होते हैं, जर्नी पे किसी भी रोड से गुजरते हैं, अगर हमने उस रोड पर कोई भी पिक्चर्स ली हुई है तो वो उस पिक्चर्स को उस रूट के ऊपर दिखाएगा और वहाँ पर हमें शो कर पाएगा कि हमने इस जगह पर ये पिक्चर ली थी, इन द सेंस ऑफ द गूगल मैप। गूगल मैप की सूरत के ऊपर हमें पिक्चर वहाँ पर शो करवाएगा। तो गाइस, काफ़ी अच्छा फीचर है। और अगर आपने अभी तक इसको यूज नहीं करा तो आपको सिंपली अपनी गूगल फोटोज की एप्लीकेशन पर जाना है। वहां पर आपको जाना है अपने सर्च पे, सर्च पे जाने के बाद आपको जाना है प्लेसेस पे, प्लेसेस पे जाने के बाद आपके पास योर मैप का ऑप्शन आएगा और वहां जाकर आप अपनी ये सारी की सारी पिक्चर्स जो आपने किसी जर्नी पे लेती है, यानी कि ली है, उसको आप देख सकते हैं। तो रिसेंटली रोल आउट हो चुका है फीचर गूगल की जानिब से, आप इसको अपने डिवाइसेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज, अगली न्यूज हमारे पास वो है नेटफ्लिक्स की जानिब से कि नेटफ्लिक्स ने रिसेंटली नया फीचर निकाला है जो कि है ऑडियो ओनली मोड। तो गाइज, जिस तरह हम जानते हैं कि नेटफ्लिक्स राइट नाउ सबसे ज्यादा पॉपुलर स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है इस वक्त, तो गाइज लोगों का काफी ज्यादा रुझान जा रहा है उस तरफ। तो उन्होंने क्या करा कि अगर आप इसको एज अ सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को जो नेटफ्लिक्स के ऊपर आती है, जिस तरह हम जानते हैं कि पॉडकास्ट क्या होती है, एक ऑडिबल फाइल होती है जिसको हम सुनते हैं सॉर्ट ऑफ सीरीज के अंदर, तो उसी तरह आप इसको जो नेटफ्लिक्स के ऊपर वीडियोज आती है उनको आप लिसन भी कर सकते हैं, यानी कि पॉडकास्ट की तरह। तो उन्होंने अपनी हर जो नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवीज या सीरीज है उसके ऊपर आपको देखने को मिल रहा है अब एक नया ऑप्शन जो कि है ऑडियो ओनली मोड। इसको इनेबल करने के बाद जो पूरी स्क्रीन है वो ब्लैकआउट हो जाएगी और सिर्फ आपको जो टेक्स्ट होता है, यानी कि सबटाइटल्स होते हैं, वो देखने को मिल जाएंगे और के बाद आपको ऑडिबल यानी कि ऑडियो सुनने को मिल जाएगी जो एक्ट करेगी एज अ पॉडकास्ट। तो मैं समझता हूँ काफी अच्छी, आप कह सकते हो, ये अपडेट निकाली है नेटफ्लिक्स ने, क्योंकि जो लोग यानी कि पसंद करते हैं कि पॉडकास्ट की तरह हम उसको सुने, लोग जाते हुए सुनते हुए जा रहे होते हैं, यानी कि बाइक्स के ऊपर, कार के ऊपर उन्हें हेडफोन्स एयरपॉड्स लगाए हुए होते हैं, वो देखना नहीं चाह रहे, वो सुनना चाह रहे हैं। तो गाइस, इस फीचर की मदद से अब वो ये काम नेटफ्लिक्स के ऊपर कर सकते हैं। सो गाइस, अगली न्यूज हमारे पास के 10th of December 2077। सो गाइज, अगली न्यूज हमारे पास वो है कि 10th of December 2020 को किया गया साइबर पंक 2077 रिलीज। तो गाइज, उसके बाद इस गेम ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है और हर कोई इसको खेल रहा है। उसके बाद बात की जाए तो रिसेंटली एक इशू फेस आया कि जो गेमर्स हैं उनको के जो ये फाइल है, यानी कि जो गेम है ना साइबर पंक, उसकी अगर फाइल जो है वो 8 MB से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो गाइज उसके अंदर आ रहा है करप्टेड, यानी कि करप्ट इशू आ रहा है, यानी कि जो फाइल हैं वो करप्ट हो रही है और उनको मसला पेश आ रहा है गेम खेलने में और साथ साथ गेम्स को ओपन करने में और एक्सेट्रा। तो इसके लिए जो गेमर्स है उन्होंने वहां जाकर उनके सपोर्ट को करी कंप्लेन कि आप ये इशू को फिक्स करें, इसका आप फिक्सेस निकालें। तो उसके बाद हुआ ये कि जो टीम है, जो डेवलपमेंट टीम है गेम के पीछे, उन्होंने रिसेंटली कुछ दिन पहले 2 fixes निकाले और रिसेंटली ये उस fixes के बाद ये इशू आ रहा है उनको, तो उन्होंने दोबारा कंप्लेन करी। तो डेवलपर की जो टीम है उन्होंने कहा है कि ये इसके भी हॉट fixes बहुत जल्दी निकाल देंगे और आपका जो इशू है ये बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। और सारे जो गेमर थे वो उम्मीद कर रहे हैं कि इसको जल्दी जल्दी हॉट fixes निकाले जाए ताकि इस गेम को वो खेल कर और ज़्यादा पॉपुलर बनाए और इस गेम के अंदर अपडेट्स जल्दी से जल्दी आए और जो fixes हैं जो आप कह सकते हो पैच की सूरत में है या हॉट फिक्सेस की सूरत में है वो जल्द से जल्द है ताकि जो गेम है ये लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे और लोग इसको खेलकर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर बनाए। सो गाइस, अगली न्यूज हमारे पास के रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस को रिलीज किया गया और उसके बाद ये खबर आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है अपनी इन हाउस चिप्स के ऊपर, यानी कि वो बनाने जा रहा है अपनी चिप्स जिसके थ्रू वो अब यूज करेगा सर्फेस के अंदर अपनी चिप्स, जिसके बाद वो अपनी क्लाउड सर्विसेज अपने सिस्टम को ज्यादा इनहेंस, ज्यादा कंट्रोल बना सकता है, यानी कि आप कह सकते हो और ज्यादा कंट्रोल कर सकता है अपने सिस्टम को। इससे होगा ये कि जो इंटेल के प्रोसेसर है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा विद द माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर। और एक और चीज ये जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा बच जाएगी एज कंपेयर टू करें जब हम इंटेल की चिप्स लेते हैं और उसको यूज करते हैं हम लोग अपने प्रोसेसर्स के अंदर, यानी कि सिस्टम्स के अंदर। तो गाइस, वो काफी एक्सपेंसिव पड़ सकती है इनको, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा और साथ साथ इनका कंट्रोल जो होता है कंट्रोल आर्किटेक्चर हो जाएगा, यानी कि जो एप्पल का है जिस तरह एप्पल अपने चिप्स से करता है इस तरह माइक्रोसॉफ्ट भी अपनी सर्फेस बुक के अंदर रिसेंटली इसको लेकर आने वाला है।
सो गाइस अगली न्यूज हमारे पास वो है स्नैपचैट की जानिब से कि स्नैपचैट लेकर आया रिसेंटली बिटमोजी गेम, जिसके थ्रू आप वहां पर पेंट करके अपना अवतार क्रिएट करके वहां पर आप पेंट का गेम खेल सकते हैं, यानी कि बिटमोजी पेंट। ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि यूजर्स जो स्नैपचैट के यूजर्स है वो अपना अवतार क्रिएट कर रहे हैं और उसके साथ साथ वहां पर पेंट का जो गेम है अवतार को यूज करते हुए बिटमोजी पेंट उसको खेल रहे हैं और काफी ज्यादा आपस में कोलैब कर रहे हैं एक्सेट्रा, ये सब चीजें। तो स्नैपचैट ने ये गेम लाकर काफी ज्यादा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्नैपचैट काफी टाइम से काम कर रहा है कि यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करे, यूजर को वहां पर लेकर आए, एंगेजमेंट को अच्छा करे, तो ये गेम भी उनकी एक टेक्निक है कि जिस तरह यूजर की एंगेजमेंट को अच्छा किया जाए। तो गाइस अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ मजीद और मजेदार न्यूज को लेकर। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।